हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं यहाँ पर वैक्स करने जा रही हूँ और ये है रिचलॉन का वाइट चॉकलेट वैक्स। इसका कंटेनर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का होता है। यहाँ पर जो है अंडर आर्म्स का जो वैक्स हो रहा है, इसमें जो आप हेयर देख रहे हैं बहुत ही लंबा हेयर है, लंबे लंबे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा विंटर बीत चुका है और अब थोड़ा सा समर सीज़न आ रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, तो हेयर काफ़ी लंबे हो गए थे इनके और इस वजह से ये मेरे पास आई हैं वैक्सिंग के लिए। तो बहुत दिनों के बाद, इवन बहुत महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद ये वैक्सिंग ले रही हैं अंडर आर्म्स का। और इस वजह से मैंने कहा कि सावधानी से कीजिएगा वैक्स, और ताकि ब्लड सा ना आ जाए, क्योंकि होता है ऐसा अगर बहुत दिनों के बाद अगर कोई अंडर आर्म्स का वैक्स करवाता है तो ब्लड जैसे थोड़े थोड़े से आ जाते हैं, क्योंकि रूट से फिर निकलना शुरू हो जाता है और काफ़ी दिनों के बाद जब वैक्सिंग होती है तो स्किन में थोड़ा सा रेडनेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आप रिका का वैक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर रिचलॉन का वाइट चॉकलेट जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर वैक्सिंग हो गई है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 बार में या 3 बार में एप्लीकेशन करके यहाँ पर अच्छे से वैक्सिंग हो गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रह गया और बहुत ज़्यादा गर्मी वाला भी मौसम नहीं है, जस्ट अभी स्टार्टिंग है, तो आर्मपिट पे थोड़ा बहुत स्वेटिंग का प्रॉब्लम अभी आने लगा है। तो ऐसे में तो एसी ऑन करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर आपको अच्छे से करना होगा ताकि जो स्वेट का जो प्रॉब्लम होता है वो ना आए, और वैक्सिंग में थोड़े बहुत जो भी हेयर जो बचे हुए हों और दोबारा पाउडर लगा के अच्छे से उसको रीयूज़ करके, चॉकलेट वैक्स को एप्लीकेशन करके अच्छे से फिर से निकाल लेना है। और लास्ट में यहाँ पर एस्ट्रीजेंट यहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि अंडर आर्म्स एरिया है तो एस्ट्रीजेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आफ्टर जो वैक्सिंग होती है, लोशन होता है, आफ्टर लोशन वैक्सिंग के साथ ही मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा ऑयल जैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि कई सारे वीडियो में, वैक्सिंग वाले वीडियो में, जैसे रिका वैक्स वगैरह के वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, अब दूसरे हाथ का वैक्सिंग हो रहा है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, आप इशारे में कह रहे हैं कि हाँ, और इस तरीके के और भी वीडियो बनाइए, और मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसके इनके इस वाले अंडर आर्म्स में थोड़ा सा स्कार है, वहाँ पे कुछ इरिटेशन इनको हुआ है स्किन में, वहाँ पे पैचेस आपको साफ दिख रहा होगा, तो इन्होंने वो मुझे पहले ही बता दिया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं वैक्सिंग करवा रही हूँ, क्योंकि जो स्किन पे अगर वैक्स स्ट्रिप्स जलेगा डायरेक्टली तो वहाँ पर स्कार्स और बढ़ सकते हैं, वहाँ पर रेडनेस और बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर स्किन जो वैक्स के पैचेज हैं वो वहाँ पर मैं नहीं दिलवा रही हूँ, थोड़ा सा बचा के मैं कर रही हूँ। और उस एरिया में जो भी हेयर है, छोटे मोटे हेयर अगर हैं, तो उनको सीजर से लास्ट में कट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से स्किन का बहुत ख्याल रखते हुए आपको वैक्सिंग करनी होती है, और ख़ास करके अंडर आर्म्स एरिया में तो बहुत ही ख्याल करना होता है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है बहुत ही हल्की और सॉफ्ट होती है, तो स्किन को टाइट करके ही वैक्सिंग करना चाहिए, और छोटे मोटे जो स्कार्स होते हैं या पैचेस होते हैं तो इन सब का ख्याल करते हुए वैक्सिंग करनी चाहिए। तो कैसा लगा ये फ्रेंड्स वीडियो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।